जो भी आप हमारे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं, ये कोई गांव का नहीं, ये रांची से सटा हुआ पंडरा का है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का नाली कितना घटिया है, मतलब ये रोड ही कितना घटिया है। यहाँ पर पानी ऐसे बह रहा है, देख सकते हैं आप, पानी बह रहा है, कचरा फेंका हुआ है, कैसे रोड गंदा है, कैसे सड़क गंदा है, यहाँ से लोग कैसे पार होते हैं, कैसे जाते हैं और इस गंदगी के बीच लोग रहते कैसे हैं, ये हमें समझ नहीं आता। और नगर निगम क्या कर रही है ये भी समझ नहीं आता, कचरा तो उठाती है पर ये नाली का पानी साफ नहीं करवाती है। और वहीं पर लोग भी मौजूद है, बगल में दुकान खुला है, लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस कचड़े के बीच रहकर वो कैसे अपना जीवन काट रही है, कैसे सांस ले रही है। ये जो नाली गंदा है यहाँ पर, इधर नाली में जो कचरा गिरा हुआ है, तो आप लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत प्रॉब्लम होता है, हम लोग को साफ उफ करना चाहिए, नगर निगम आके तो हट जाता है, करता नहीं है, बोलता है कि खाने पीने के लिए दे देता, अब करेंगे तो करें हम लोग का। कैसे दिन भर बैठते हैं यहाँ पे? बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब यहाँ अब दुकान है तो रहना ही पड़ेगा। इससे गंदगी फैल रहा है, बीमारी नहीं होता है? होता है, कहे नहीं होगा। नगर निगम खाने पीने का मांगता है तो क्या वो घूस मांगता है आपसे? घूस नहीं तो अब साफ करने वाला नाली, अब लेबर रहता है, उन लोग अब इतना गंदगी में उन लोग को भी तो दिक्कत होता है, इसीलिए करने नहीं खोजता है। कितना बार आता है साफ करने साल में? साल में आता है 3-4 बार आता है इधर। और इससे पहले जो यहाँ का जो भी था मुखिया या वार्ड पार्षद जो भी था, वो साफ वाफ नहीं करवाता है? अभी तो उसका प्रॉब्लम, साफ तो करवाना चाहिए उसको, अब तो देखता है खुद, यही कहे तो नहीं देखता है, वो देखबे करता है। आप बता रहे हैं कि वो कुछ खाने के लिए, देखिए अब लेबर है तो लेबर यहाँ, अब कचरा है तो किस कारण में है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो ये जो रोड में नाली की जगह ये तालाब बह रहा है, इस पर क्या कहिएगा? मैडम ये तो अभी कुछ नहीं बह रहा है, अभी तो मान के चलिए गर्मी में ये सिर्फ अधूरा काम दिख रहा है, बरसात में तो यहाँ चलना दुर्भर है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना है ना ही नगर निगम, ना ही है पंचायत क्षेत्र में भी आता है, दोनों मिला के कुछ बोलते हैं कि कुछ आधा हम कर लेंगे और कुछ बोलते हैं कि भैया जाके उससे करवाओ, जनता किससे बोलेगा, मतलब मान के चलिए कि सरपंच है, मुखिया है तो मुखिया अपने तरीक़ा से बोलता है कि अच्छे करवा देंगे, और नगर निगम पर जाइए तो नगर निगम बोलता है आप मुखिया को पकड़िए। तो मतलब यहाँ का कहना है कि वार्ड पार्षद बोलता है कि मुखिया करेगा, मुखिया बोलता है वार्ड पार्षद करेगा। हाँ, और ये आज से नहीं है, करीबन 5-6 साल से कम नहीं हो रहा है इसको किस तरीक़ा से देखते हुए, अभी तो गर्मी में आप आए हैं, बरसात में आइएगा तो आप खुद खड़ा नहीं रह पाइएगा, इधर रहता है, ये साइड रहता है पूरा नली, उधर भी नली का पूरा कहानी रहता है, लास्ट में जनता खुद खड़ा होके और किनारे से अपना बाईपास बनाता है ताकि जनता आ जा सके। और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब का क्या स्थिति है? ये सब भी जो है जो उनके क्लोज में रहते हैं वही सब उनका कहानी है कि भैया जो हम आपके क्लोज में हैं तो आपसे हम काम करवा ले रहे हैं, जो अत्यंत मतलब गरीब तबके के है जो चाहे पहुँच नहीं पाते तो उनका काम वही लेट लतीफा होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन क्लोज लोग का खास जल्दी हो जाता है और आम जनता को थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है। और आवास जो मुखिया की तरफ से आवास दिया जाता है, आवास का तो यहाँ पे कोई कहानी दिखता ही नहीं है, शौचालय वगैरह का कहानी है, आवास का नहीं है, शौचालय दिया गया है। हाँ, शौचालय दिया गया है। आइए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ से आप पार हो रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है ये जो नाली बह रहा है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, कुछ कहना नहीं चाहिए? कहना तो चाहेंगे कि नाली तो बनना चाहिए, इतना अब फिर बरसात पहुँचेगा, बरसात में तो और नाली और खराब होगा, अभी तो गर्मी भी इतना चल रहा है। साफ सफाई होता है? साफ सफाई होता है, वैसे साफ नहीं कर रहा है। कितना बार होता है साल में? अब जो रहता है वही बता सकता है, हम तो नहीं रहते हैं यहाँ, तो यहाँ का बसिंदा नहीं है। अभी हमारे साथ एक बाबा मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनको आवास मिला हुआ है, रहने के लिए घर मिला है? घर रहने के लिए हमारे अपने पहले का जमाना घर है कि मुखिया घर नहीं दिए, अब वृद्धा पेंशन मिलता है? बुढ़िया को मिलता है, कहा झूठ बोले, बुढ़िया को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। तो आपसे मुखिया पूछने आता है कि आप किस हालत में रहते हैं? मुखिया तो बोलते हैं झूठ बोलेंगे, हमको नहीं मिलता है। अरे शुरू से ही देख रहे होंगे ना आपकी कैसा है यहाँ का रोड है, ये कुछ रोड नहीं है, पहले जोन था, ये सरकार बनाए, मोदी सरकार बनाया है, सेगन से रोड है, जब रोड नहीं था, कोई जगह रोड नहीं था, गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, पहले के जमाने में चिंता रहते गाड़ी चलाते रोड,
रोडे रोड चिंता नहीं चिंता चार को गाय या चार को भैंस अति बड़ा था जब वोट दीजिएगा इस बार का मुखिया को है? वोट दीजिएगा इस बार का मुखिया को कौन मुखिया दीजिए नहीं नहीं दीजिएगा कहे लोग कोई काम नहीं करता है नहीं इसको नहीं देंगे हम कोई भी काम नहीं करता है ना। कितना साल हो रहा आपका हमरा गोरा कोई बरस हो गया गोरा चढ़ल बताइए तो इतने को था गोरा चढ़ल घनी आज का जन्म ले है दुनिया दुनिया देख लिए हैं इसी ना कर उस समय से देख रहे हैं इसको हाँ सब दुनिया हम देख लिए हैं इधर तो जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों के मन में मुखिया के प्रति कितना आक्रोश भरा हुआ है कितने क्रोधित हैं और ये इस बार के मुखिया को वोट नहीं देंगे ऐसा बोल चुके हैं अभी हमने जिन जिन लोगों से बात किया सब ने कहा कि हम मुखिया को इस बार जो भी मुखिया या वार्ड पार्षद रहेगा हम वोट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये नाली बह रहा आप मेरे पीछे उस टाइम भी देखे और अभी भी आप जो नज़ारा देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर है कि ये नाली नहीं बनता है और लोगों का कहना है कि जब बरसात होता है तो रैली जैसे पानी बहता है जैसे कि कोई देखने वाला नहीं है कोई बोलता है वार्ड पार्षद देखेगा तो कोई बोलता है मुखिया देखेगा और ये देखना होगा कि अब जो मुखिया आ रहा है वो क्या काम करता है ये देखने वाली बात है या जो वार्ड पार्षद आ रहा है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ धन्यवाद अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।